अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम फोर फेमस इनइक्वालिटीज की बात करेंगे जो कि फंक्शनल एनालिसिस और फिक्स्ड पॉइंट थ्योरी के कोर्सेज में बहुत ज्यादा यूज है। तो सबसे पहली और जो बेसिक इनइक्वालिटी है इसे हम यंग इनइक्वालिटी कहते हैं। बाकी तीन जो इनइक्वालिटीज हैं वो किसी न किसी तरह से इस पर डिपेंड करते हैं। तो यंग इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। अगर ए भी हमारे पास कोई भी दो नंबर हो जो कि जीरो से बड़े होने चाहिए, और पी एक नंबर है जो कि वन से बड़ा होना चाहिए, और क्यू एक नंबर है जो कि लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए, एंड वन बाय पी प्लस वन बाय क्यू इक्वल टू वन होना चाहिए। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन ए बी इज लेस देन आर इक्वल टू a टू रेज पावर b डिवाइडेड बाय p प्लस b टू रेज पावर q डिवाइडेड बाय q, इससे हम लिख सकते हैं। इस इनइक्वालिटी को यंग इनइक्वालिटी बोलते हैं। ओके, तो इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन जो है वो कंसीडर करते हैं। कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन, फंक्शन कुछ इस तरह का है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी टू रेज पावर पी डिवाइडेड बाय पी माइनस टी प्लस वन डिवाइडेड बाय टी। ओके, ये हमारे पास फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ये टी की किन वैल्यूज के लिए होल्ड करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास फंक्शन है और ये टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज ग्रेटर देन जीरो, इनके लिए ये होल्ड करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम फंक्शन को देख लेते हैं कि आया ये मैक्सिमाइज करता है या मिनिमाइज करता है। इसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। आपने इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। ये जो पी और क्यू है ये कॉन्स्टेंट नंबर है। ओके, हमने यहाँ पर पावर रूल यूज करना है, यहाँ पर टी टू रेज पावर पी पर, और यहाँ टी का डेरिवेटिव वन होता है तो पावर रूल यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास अरेंजमेंट के बाद इसका डेरिवेटिव आएगा वो पी माइनस वन और माइनस वन आ जाएगा। ओके, टी टू रेज पावर पी माइनस वन और यहाँ पर माइनस वन, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, अब हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जीरो पुट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट किया, तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करता हूँ मैं, टी टू रेज पावर पी माइनस वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। वन को दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो टी टू रेज पावर पी माइनस वन इक्वल टू वन आ गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पर टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, पी तो हमें पता है वो वन से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ से टी की वैल्यू कैसे आएगी? आपने दोनों साइड पर लॉग लेना है। जब आप लॉग लेंगे और उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का हो जाएगा, लॉग ऑफ टी इज इक्वल लॉग ऑफ वन जो होता है वो जीरो होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो पी माइनस वन वाली टर्म है इसको दोनों साइड पर डिवाइड करते हैं। जब आप इसको दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड पे ये यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, और राइट साइड पे जीरो डिवाइडेड बाय पी माइनस वन करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि पी हमारे पास जो नंबर है वो वन से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे जीरो डिवाइडेड बाय, अगर मैं पी की वैल्यू टू रख लेता हूँ टू माइनस वन, तो जीरो डिवाइडेड बाय वन करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। इस तरह ओवरऑल हमारे पास जो है ना ये जीरो डिवाइडेड बाय पी माइनस वन जो है ये हमारे पास जीरो आ जाएगा। अच्छा, अब हम दोनों साइड पर एक्सपोनेंशियल लेते हैं। लेफ्ट साइड पर तो कैंसिलेशन हो जाएगी और पी बच जाएगा, राइट साइड पर एक्सपोनेंशियल आप जीरो करेंगे तो ये वन आ जाएगा। इस तरह से हमने टी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अच्छा, अब ये जो टी की वैल्यू ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा, अब हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात की है, तो यहाँ पर इस फर्स्ट डेरिवेटिव का आप अगेन से डेरिवेटिव लें। तो जब मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेता हूँ एफ डबल प्राइम ऑफ टी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर आपने पावर रूल को यूज करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू पी माइनस वन इंटू टी टू रेज पावर पी माइनस टू, और वन का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, ये सेकेंड डेरिवेटिव है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करना है,
तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये आपने इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, तो एफ डबल प्राइम टी की जगह पे वन पुट कर दें, राइट साइड पर भी आपने यहाँ पर टी की जगह पे वन पुट करना है, टी माइनस वन इंटू टी की जगह पे वन पुट किया, वन टू रेज पावर टी माइनस टू। ओके, तो यहाँ पर ये जो p है ना ये 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। सबसे पहले हम इसकी जगह 2 पुट कर लेते हैं, तो 1 टू रेज पावर 2 माइनस 2 जीरो आ गया, ये भी 1 के बराबर होगा। इसकी जगह आप 3 पुट कर लें, 1 की पावर 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, तब भी ये 1 के इक्वल आएगा। ओवरऑल इसका जो आंसर आएगा ना इस वेक्टर का जिसे मैंने अंडरलाइन किया है ये 1 के बराबर ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ, रेज करता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी माइनस 1 ही आएगा। जो सेकंड डेरिवेटिव की एट टी इक्वल टू 1 हमने वैल्यू फाइंड किया वो टी माइनस 1 फैक्टर के बराबर है। अभी जो टी माइनस 1 है क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो फंक्शन जो है वो मिनिमाइज करेगा, और नेगेटिव आएगी तो फंक्शन मैक्सिमाइज करेगा। अच्छा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी ये कैसे पता चलेगा, देखिए p हमारे पास में 1 से बड़ा कोई भी नंबर है, आप यहाँ पे पुट करें बेशक 1.1 ही पुट करें, तो p की जगह पे मैं 1.1 पुट करता हूँ, माइनस 1 करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा 0.1, क्योंकि 0 से बड़ा है मतलब एक पॉजिटिव नंबर है। तो ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो p माइनस 1 है ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो f डबल प्राइम ऑफ 1 है ये जीरो से बड़ी वैल्यू देगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है ये एट टी इज इक्वल टू 1 जो है वो मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा, मिनिमाइज करेगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर सेकंड डेरिवेटिव की क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वैल्यू जीरो से बड़ी आए तो वो फंक्शन जो होता है ओरिजिनल वो मिनिमाइज करता है। ओके, तो ये जो फंक्शन होगा ये मिनिमाइज करेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, हेंस एफ हैज ग्लोबल मिनिमम एट पी इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टी की एक वैल्यू जो है वो खुद से ले लेते हैं, टेकिंग टी इज इक्वल टू, याद रहे कि हमारे पास जो टी है ना वो या तो जीरो है या जीरो से बड़ा कोई भी नंबर है। ओके, यहाँ पर हम टी की एक वैल्यू ले लेते हैं ए बी और बी की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई टी, ये हमने खुद से ली है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि हमारे पास जो गिवन ये जो हमने सपोर्ट किया था फंक्शन ये वाला एफ ऑफ टी, यहाँ पर आपने राइट हैंड साइड पर टी की वैल्यू पुट कर देनी, तो एफ ऑफ बेशक आप लेफ्ट साइड पर भी पुट कर लें, तो मैं यहाँ पर राइट साइड पर पुट करता हूँ, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आप टी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें जो हमने यहाँ पे की है, ए बी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पर क्योंकि टी की पावर टी था ना तो ओवरऑल यहाँ पे टी आ गया डिवाइडेड बाय पी आर माइनस ए बी और पी की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय पी, उसके बाद हमारे पास 1/2 भी है प्लस 1/2। ओके, यहाँ तक खूब सो आपको समझ आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो पहले मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि आप Okay, हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि 1/p प्लस 1/q जो है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये हमने कहा था कि ये चीजें जो होल्ड करती है ये सारी सभी ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। ओके, हम कहते हैं कि हमारे पास जो f ऑफ t है क्योंकि हमने खुद कंसिडर किया था फंक्शन एफ ऑफ टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ ऑफ 1।
एफ ऑफ वन हमने कैसे फाइंड किया है, जो फंक्शन हमने कंसिडर किया था वहां पर टी की वैल्यू हमने वन पुट कर दी। ओके तो वन पुट करता हूँ मैं यहाँ पर, वन की पावर पी हो गया डिवाइडेड बाई पी, और यहाँ पर माइनस टी तो माइनस वन हो गया, प्लस वन बाई क्यू, क्योंकि वन की पावर पी, पी क्योंकि वन से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, तो वन की पावर पी वन ही आएगा। ओके यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन डिवाइडेड बाई पी, तो मैं रिच करके लिख लेता हूँ, प्लस वन डिवाइडेड बाई क्यू माइनस वन, वन बाई पी प्लस वन बाई क्यू, ये वन के इक्वल है, तो वन माइनस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ओके तो यहाँ पर जो हमने फंक्शन कंसिडर किया था उसकी जो सबसे पहली वैल्यू आई है ना, वो हमारे पास देखें जीरो से स्टार्ट होती है, जो बाकी वैल्यूज आएंगी टी की डिफरेंट वैल्यू, टी की डिफरेंट वैल्यूज की, क्योंकि हमारे पास टी क्या था, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ओके तो यहाँ पर जब हमने टी की वैल्यू वन चूज की तो हमें आंसर जीरो मिला, ठीक है, मतलब हमें फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो मिली। अब टी की वैल्यू आप अगली चूज करते जाएंगे तो कम से कम इस जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी ना फंक्शन की, इस वजह से हमने कह दिया कि एफ ऑफ टी जो है वो बड़ा है या इक्वल है एफ ऑफ वन से। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब असल में मैं यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट है ये यूज करने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ये वाली जो चीज हमने लिखी है, यहाँ पर इसको हमने क्या करना है, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो करना, क्योंकि हमारे पास जो एफ ऑफ टी है वो एफ ऑफ वन से बड़ा है, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू तो जीरो आई थी, तो एफ ऑफ टी जो है वो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा। यहाँ पर मैंने आपको लिखकर भी बता दी है। ओके इसी को हमने अभी यूज करने है। हम क्या करते हैं कि जिसको मैंने अंडरलाइन किया ना ये वाला, यहाँ पर आपने ये जो माइनस वाली टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, ये प्लस हो जाएगी। बाकी सारी टर्म यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए यहाँ पर आप पावर बी अलग अलग कर दें, ए की पावर बी हो जाएगा। ओके ये मल्टीप्लाई बी की पावर, देखिए माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई पी, पी पी से कैंसिल हो जाएगा, बी की पावर माइनस क्यू बन जाएगा और डिवाइडेड बाय ऐसे रहेगा। ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको मैंने राइट साइड पे लेके जाना है जिसे मैंने टिक की है, प्लस वन बाई टू यहाँ पे रह गया, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए बी और बी की पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी आर। अच्छा यहाँ पर ये जो बी की पावर माइनस क्यू है ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए टू रेज पावर पी डिवाइडेड बाई पी इंटू बी टू रेज पावर प्लस क्यू हो जाएगा ना, तो ये प्लस क्यू हो गया। ओके यहाँ पर बी टू रेज पावर प्लस क्यू प्लस वन बाई क्यू, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए बी टू रेज पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी। अच्छा अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पर बी टू रेज पावर क्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आएगा उसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ए टू रेज पावर पी डिवाइडेड बाई पी प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बी टू रेज पावर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें ए मल्टीप्लाई बी टू रेज पावर माइनस क्यू, मैं ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पर दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया ना इनइक्वालिटी के, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा फिर बी टू रेज पावर क्यू। अब मैं इसको थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर सकें। अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत करीब करीब आ गया, क्योंकि हमने जो फंक्शन कंसीडर किया था और जो टी की वैल्यू हमने कंसीडर की थी उसको देखते हुए हम अपनी जो यंग इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट है वहां तक हम पहुंचने वाले हैं। अच्छा यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड है जैसे मैंने अंडरलाइन किया, देखिए बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, लेफ्ट साइड को तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ ए टू रेज पावर पी डिवाइडेड बाई पी प्लस पी टू रेज पावर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, देखिए ए यहाँ पर बी टू रेज पावर, देखिए ये हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। ओके तो यहाँ पर पावर में हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये वाली टर्म जो है ये इसके इक्वल होगी फिर ए मल्टीप्लाई बी, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो माइनस क्यू प्लस पी क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पे पी आ जाएगा। ओके अब हमारे पास जो ये वाली टर्म है जो कंडीशन थी फॉर दिस यंग इनइक्वालिटी, इस
इससे आप एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद इसको आप अरेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, ओके। पी क्यू बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू, तो यहाँ पर आपने पी क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए टू रेज पावर पी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी टू रेज पावर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, और यहाँ पर आप क्या हो जाएगा माइनस क्यू और पी मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे इस तरह से आ गई। कैंसिलेशन करें, पी पी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा इसको आप अरेंज करके लिखें, तो दिस विल बी ए पी लेस देन आर इक्वल टू ए टू रेज पावर पी डिवाइडेड बाई पी प्लस बी टू रेज पावर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, ओके। तो ये बेसिकली यंग्स इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट थी, इसे हमने प्रूव कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यंग्स इनइक्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसमें हमारे पास ये कुछ चार कंडीशंस थी, अगर ये फॉलो होती हैं तो उसके बाद ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, इसे हम यंग्स इनइक्वालिटी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और से ज़्यादा शेयर करें। मेरी जो अपकमिंग वीडियोज होंगी उसमें हम रिमेनिंग थ्री इनइक्वालिटीज को डिटेल के साथ इस तरह डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।